नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज 24। सिरसा में मामूली कहा सुनने के बाद दो पक्षों के बीच झड़प हो गई, जिसमें दो में खूब लाठी डंडे चलाए गए। इस झड़प में दोनों ही पक्षों के चार लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज सिरसा के अस्पताल में करवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह झड़प बिल्डिंग मालिक और जिम संचालक के बीच जिम में पिछले दिनों पानी की समस्या को लेकर बहस की वजह से हुई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद इस कदर बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर तेजधार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में करीब 11 लोगों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है। सिरसा के DSP आर्यन चौधरी ने बताया कि इस झड़प में चार लोग घायल हुए हैं और 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और सभी को कोर्ट में पेश कर कार्रवाई की जाएगी। सिरसा से जितेंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट, देखते रहिए इंडिया क्राइम न्यूज 24। वो कोई दो ग्रुप्स के बीच में कहासुनी बढ़ के झगड़े में कन्वर्ट हो गई और उसमें FIR दर्ज कर दी गई है 450 नंबर सिटी सिरसा में, और जिसमें 11 व्यक्ति जो इन्वॉल्व थे वो अरेस्ट किए जा चुके हैं और आगे 32 जारी। हाँ, उसमें इंजरीज हैं, उसकी डिटेल रिपोर्ट अभी आएगी। 323, 324, 147, 148, 323, 324, 506 IPC के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया है और इंजरीज भी हैं उसमें, और चार पांच व्यक्तियों की इंजरीज हैं और उनके डिटेल में जैसे रिपोर्ट आएगी वो लेके और आगामी कार्रवाई की जाएगी। जिनका नाम था FIR में 11 व्यक्तियों का, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया है।